वेलकम टू इलेक्ट्रो जेनेटिक्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर चलाया जा सकता है, तो उसी को हम लोग आज टेस्ट करेंगे लाइव। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, 48048 का ट्रांसफार्मर है। मैं बता दूं, इसके दो वाइंडिंग कर लेते हैं तो 12 वोल्ट जनरेट करते हैं। ये 12, ये 12 और ये 12, मतलब 48। अगर इन दोनों के बीच में लूँगा इसमें तो 12 वोल्ट देगा ये आउटपुट, ये 12 वोल्ट देगा और ये 12 वोल्ट देगा, ये 220 वोल्ट इनपुट हो गए। तो ये सेंट्रल ट्रांसफार्मर इसी तरह से होते हैं। जो सेंट्रल ट्रांसफार्मर होते हैं वो 24 वोल्ट, जैसे कि 12 0 12, तो वो दोनों के बीच में 24 वोल्ट देते हैं, अगर वो बीच में एक 0 टाइप है। लेकिन इसमें अगर यहाँ से लेते हैं तो अगर ये 0 लेते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ लेगा 24 वोल्ट और यहाँ देगा 24 वोल्ट, बीच में 0 रहेगा न्यूट्रल। तो इस तरह से इसका रेफरेंस लिया जाता है। तो मतलब ये 48 वोल्ट आउटपुट में देता है, 220 वोल्ट इनपुट में देता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है। ये 2006 का ट्रांसफार्मर है, 15/1/2006 का ट्रांसफार्मर है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ। ये प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर है, ये बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है। इसका वेट तकरीबन 2 kg के आसपास होगा। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कि मार्केट में यूज होता है। ये 220 वोल्ट इनपुट लेगा और ये 12 वोल्ट का आउटपुट देगा एसी में। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो मैं आपको दोनों को चेक करके दिखाऊंगा क्या इससे ये चल सकता है। तो मैं इसमें आपको ये 12 वोल्ट यहाँ से निकाल के मैं इसको दूंगा, तो मैं इसको चेक करूंगा ये बारी बारी से कि क्या इसमें कितना आएगा वोल्टेज, क्या इसका मतलब होगा। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। तो ये मैंने जो इनपुट वायर है, मैं थोड़ा सा ये देखिए, 240 वोल्ट आ रहा है जो मेरा लाइव वायर है। ये अभी जो लाइन आ रहा है मेरे घर में, उसका जो इनपुट वोल्टेज है, मैं आपको फिर से एक बार रीड करा देता हूँ, 248 वोल्ट है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 248 वोल्ट, ये बढ़ गया 250 हो गए। तो ये 250 के आसपास मेरे वोल्टेज हैं जो अभी लाइव घर का है। अब मैं इसको इनपुट करूँगा, तो मैं इसको इनपुट कर दूँगा यहीं पर, इसको निकाल के फिर आपको रीडिंग बताऊँगा कि कितना है। तो मैं इसको इनपुट कर चुका हूँ इस ट्रांसफार्मर को, तो मैंने इसको इनपुट कर दिया है और ये जो मल्टीमीटर है इस ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है। तो मैं वोल्टेज का रीडिंग टेस्ट करता हूँ कि कितना वोल्ट है। ये देखिए, ये 10/11 वोल्ट आ रहा है, मतलब एसी में आ रहा है 10/11 वोल्ट, मतलब इसका एक वाइंडिंग 10/11 वोल्टेज दे रहा है। अब मैं दूसरे जो है उसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको दूसरा वाला टेस्ट करता हूँ, ये ये 13 वोल्ट दिखा रहा है, 12-13 वोल्ट, यानी कि एक वाइंडिंग 11-12 वोल्ट दे रहा है। तो अब मैं इसको सीरीज में करता हूँ तो ये अप्रॉक्स 20-24 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको 24 वोल्ट मैं इसको सीरीज में करता हूँ। तो मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, दोनों जो वायले क्वाइले हैं उनको मैंने सीरीज में कर दिया है और बीच का सेंटर स्टेप मैंने छोड़ दिया है। तो ये आपको 24 वोल्ट रीडिंग दिखाना चाहिए, तो ये 22 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है। तो अब मैं इस जो ट्रांसफार्मर है इसमें मैं डालूंगा इसका इनपुट और मैं चेक करूंगा कि इसमें कितना जो आउटपुट है वो जनरेट होता है। तो मैं इधर एसी से इनको इनपुट डालूंगा और आउटपुट रीड करूंगा कि कितना वोल्टेज आता है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं कि ये कितना ख़तरनाक है और कितना स्पार्किंग करेगा 24 वोल्ट जो कि है। देखिए, ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, देखिए कुछ, ये देखिए पूरा, मतलब धुआं भी निकल रहा है पूरा। ये तो ये आपको लाइट की वजह से नहीं दिखा रहा होगा शायद। तो मैं अब इस ट्रांसफार्मर को ऐड करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ऐड कर दिया है, ये हमारा वोल्टेज 330 वोल्ट के आ रहा है अप्रॉक्स, यानी कि ये मतलब इसमें अच्छे खासे, ये मैं आपको दिखाता हूँ रीडिंग, ये रीडिंग थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। ये 306 वोल्ट है, यानी कि ये स्टेप अप कर दे रहा है ये। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि इसमें लाइन हम बना ले रहे हैं फिर से। तो मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ, ये 306 वोल्ट, तो ये स्टेप अप कर दे रहा है। तो ये आप अच्छी बात है कि ये स्टेप अप कर दे रहा है इस वोल्टेज को, यानी कि इस दोनों जो है ये इन दोनों वायरों को मैं छूंगा नहीं, क्योंकि इसमें 303 वोल्ट एसी करंट है।
तो ये बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा, एक बार रेसिस्टर लगा के दिखाऊंगा कि ये हम लोगों ने क्या किया कि ये स्टेप डाउन कर लिया और उसको फिर से स्टेप कर लिया, मतलब दो ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग फिर से बिजली बना रहे हैं। थोड़ा लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग फिर से उसको बिजली बना ले पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला कॉइल जो होता है, ये कॉइल वाला टर्नओवर ज़्यादा होता है आउटपुट का। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ रीडिंग, ये 304 वोल्ट आ रहे हैं, 302 वोल्ट के आ रहे हैं आसपास। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ से 220 वोल्ट दिया और हम लोगों ने 303 वोल्ट इसको आउटपुट में करंट निकाल लिया। तो अब क्या ये एलईडी को ग्लो करने के लिए सफिशिएंट है, उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये विप्रो का 9 वाट का बल्ब है, ये 220 वोल्ट में चलता है, देखते हैं इसको 330 वोल्ट तक देते हैं तो ये क्या इफेक्ट आता है। तो मैं इसके जो यहाँ पे है वो इनपुट करूँगा और देखूँगा कि क्या होता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत आराम से करूँगा, क्योंकि 330 वोल्ट ये एसी जनरेट कर रहा है वो बहुत ही डेंजर है, 220 वोल्ट से भी 100 वोल्टेज ज़्यादा है। तो मैं इसमें चेक करता हूँ कि क्या होता है। तो मैं इसको आराम से यहाँ रखूँगा और आप ही के सामने टेस्ट करूँगा। तो ये देखिए, ये जो एलईडी है ये ग्लो हो जा रहा है, यानी कि ये 330 वोल्ट बन रहा है। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप ही के सामने टेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा आपको करके इधर थोड़ा सा लाके, ये देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे कि ये 330 वोल्ट प्योरली बन रहा है, 330 वोल्ट। मैं इसको आराम से इसमें टच करा रहा हूँ, ये देखिए ये ग्लो हो जा रहा है लाइन से। हम लोगों ने फिर लाइन जनरेट कर लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं ये देखिए ये 300 वोल्ट में बना ले रहा हूँ। और ये विप्रो का 9 वाट का बल्ब है, यानी कि हम लोगों ने 220 वोल्ट दिया और फिर से 330 वोल्ट निकाल लिए। तो अगर ये दोनों ट्रांसफार्मर है हम लोग के पास, तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेप अप की तरह भी काम करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का ओवरऑल जुगाड़ है कि हम लोगों ने फिर से इस एलईडी को बल्ब को जला दिया, 9 वाट के जो एलईडी है, मतलब ये 303 वोल्ट। तो इसको मैं आपस में टच नहीं करूँगा, क्योंकि हमें ये यहाँ पे झटका महसूस हो सकता है। और ये विप्रो का 9 वाट का बल्ब है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 9 वाट आपको दिखा हुआ मिलेगा, 6500 के, ये देखिए 9 वाट। तो मैं इस बल्ब को जला ले रहा हूँ, तो ये कितना वाट देता है वो मैं पैरेलल में करके चेक करूँगा कि ये कितना वाट तक देता है। तो आप एक्सपेरिमेंट को यूज करके 220 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको मैं थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे काम करूँगा। झटका लग सकता है, ये प्योर 300 वोल्ट एसी है, 220 वोल्ट एसी से भी ख़तरनाक एसी है। तो मैं इसको अभी टेस्ट करूँगा। तो अभी देखिए, अभी मैं इसको यहाँ से कर दूँगा ऑन और यहाँ पे आपका पावर दूँगा मल्टीमीटर को। तो ये देखिए 305 वोल्ट ये रीड कर रहा है, मतलब फिर से ये एसी को जनरेट कर पा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, इस खास मेथड की मदद से आप मतलब वोल्टेज वगैरह को बढ़ा सकते हैं। 220 वोल्ट है तो इसको 300 वोल्ट और भी बढ़ा सकते हैं और अपने अप्लायंस को चला सकते हैं। तो ये एसी वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, और ट्रांसफार्मर बैक टू बैक काम भी करता है। तो आउटपुट में हम लोगों ने एक 220 वोल्ट, ये जो 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है चेक करने के लिए कितना पावर है। तो थोड़ा ये बहुत खतरनाक होगा, तो मैं ये आपको थोड़ा सा बहुत खतरनाक होगा तो मेरे को खुद भी डर लग रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा। ये देखिए धुआं धुआं, पूरा ये धुआं धुआं, देखिए ये किस तरह से खतरनाक ये है। मैं थोड़ा दूरी बना के रखूँगा, ये कितना ही खतरनाक है।